नमस्कार, स्वागत है आपका। जनादेश टीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। गंगो विधानसभा क्षेत्र में हम गांव दर गांव जाकर ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार 2022 के इस चुनाव में गंगो विधानसभा पर क्या तस्वीर बनेगी और किसके रूप में यहां बदलाव हो पाएगा। हम इस वक्त मौजूद हैं नानोता में। इससे पहले भी नानोता में मैं आया था और मैंने यहाँ बस स्टैंड पर कुछ लोगों से राय ली थी और वो राय भी आपने देखी। अब मैं ननोता में ही मौजूद हूँ और यहाँ एक मोहल्ले में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। कुछ कस्बावासी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेंगे। ये क्षेत्र ठाकुर बहुल्य क्षेत्र है, यानी इसके एतराफ़ में इसका इतिहास जो लगता है, यहाँ अधिकतर ठाकुर बहुल्य क्षेत्र बताया जाता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, चाहे राजनाथ सिंह जी हों या फिर अन्य कोई भी बड़ा नेता, यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अक्सर ननोता क्षेत्र में ही रैली उनकी होती हैं। अब मैं एक एक करके जानकारी लूँगा कि इस 2022 के चुनाव में किस तरीके का समीकरण बन रहा है, कस्बे के अंदर क्या हालात हैं और क्या रहेगा अब की बार। भाई साहब का नाम क्या है? मेरा नाम संजीव है जी। संजीव भाई, 5 साल की योगी आदित्यनाथ की सरकार चली, कैसा महसूस रहा और किस तरीके से, जिस तरह उन्होंने योजनाएं दी और अनाज फ्री दिया, कोरोना की वैक्सीन फ्री दी, किसान सम्मान निधि दी, बहुत सारी योजनाएं उन्होंने दी, तो कैसा रहा पूरे 5 साल का कार्यकाल बाबा योगी आदित्यनाथ के रूप में? ये कार्यकाल तो ठीक ही रहा जी। ये सभी को अनाज दिया, सभी को दिया जो भी, पर अभी तो जो भी इलेक्शन के समय है, जो भी गठबंधन को वोट देंगे हम सर। इसका कार्यकाल अच्छा रहा तो फिर गठबंधन को वोट क्यों जा रहा है, ये कोई कारण क्या वजह? कार्यकाल तो सर सब लोग गुंडागर्दी अपनी वो करते हैं, ठग वो जो भी दिखाते हैं जो भी अपनी सरकार में, फिर अभी हमें अखिलेश की सरकार के वो चाहिए। अखिलेश यादव की सरकार, अखिलेश यादव की पिछले 5 साल की सरकार भी आपने देखी, तो उससे आप कितना संतुष्ट हैं? यानी 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव के रूप में सरकार चली। जी, अखिलेश से हम बहुत ज़्यादा संतुष्ट थे। कस्बे के वो सभी आदमी गठबंधन को वोट देंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ मैं और 2-3 लोगों से बात करता हूँ। एक युवा हैं आप, क्या लगता है 2022 में बदलाव होगा या फिर बीजेपी के रूप में ही रहेगा? क्या माहौल रहेगा ननोते के अंदर? परिवर्तन होगा 2022 में। अच्छा, परिवर्तन क्यों होगा, क्या वजह है, क्यों परिवर्तन? इस वजह से होगा परिवर्तन, जो मुद्दे सरकार ने हमें दिए थे उस पर खरी नहीं उतरी सरकार, जो उन्होंने वादे किए थे, योजनाएं कहा था उस पर खरी नहीं उतरी सरकार। हाँ, जो वादे किए थे सरकार ने कहा था हम 1 लाख नौकरी देंगे, वो उन्होंने 69,000 पदों पर जो भर्ती वे भी अटकी पड़ी है फिलहाल भी, अब उन्होंने उसमें करी, वो भी एक बिरादरी के हित को उन्होंने साध कर, उन्होंने एक ही बिरादरी को सारी दी। अब उसमें उन्होंने जो आरक्षण था, उन्होंने आरक्षण को भी ऐसी बिरादरी को दी जो अगड़ी में थी। बताओ, ये तरीका है सरकार का? क्या लगता है अखिलेश यादव को गठबंधन के रूप में आप देख रहे हैं, क्या वजह है, उनको क्यों मौका देने का इरादा हो रहा है क्या? क्योंकि उन्होंने बहुत विकास किया है, 2012 में जब उनकी सरकार थी उन्होंने बहुत विकास कार्य किया है, उन्होंने हर बच्चों को लैपटॉप दिए, 20,000 रुपये दिए उन्होंने उसमें। हमारे देश के अंदर जो सबसे पहले हाईवे बना था, एक्सप्रेसवे जो बना था, जो देश में राफेल जो हमारे विमान थे जो उसके ऊपर उतारे गए थे, वो अखिलेश तो बीजेपी सरकार ने पूरा किया कार्यकाल, उन्होंने अब जो है उसका प्रधानमंत्री जी आए शिलान्यास कर दिया कार्यकाल, तो उनके कार्यकाल में तो बना है। ऐसा तो होता ही है, अगर किसी सरकार की कोई स्कीम है तो उसको पूरा करने के लिए। नहीं नहीं, ये देखो बात ऐसी है, जो काम इन्होंने शुरू करे खत्म, इन्होंने शिलान्यास करा, इन्होंने उसका उद्घाटन कर दिया, बस और करा गया इन्होंने। क्या लगता है फिर अब की बार, अब क्या होने जा रहा है, खासकर गंगो विधानसभा पर बात करें? विधानसभा पे हमारा एक तरफा वोट गठबंधन को जा रहा है, अब के सब ने मन बना लिया, सब ने गठबंधन को वोट देने जा रहे हैं। बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, आगे को जाओ चाचा, क्या नाम है आपका? लियाकत हुसैन। क्या लगता है हसन जी, अब की बार गंगो विधानसभा पर क्या होगा? गंगो सीमांतर पर मतलब ये अखिलेश जी जीतेंगे। नहीं, अखिलेश जी क्यों जीतेंगे, बाबा ने इतनी बढ़िया स्कीम चलाई, इतनी बढ़िया अनाज फ्री नहीं खा रहे क्या बाबा को? क्यों दे रहे फ्री तो खा रहे, इसको अखिलेश यादव को क्यों वोट दे रहे बाबा ने? अखिलेश यादव को हमारा तो कुछ लाभ नहीं हुआ, बताओ क्या लाभ हुआ हमारा इस सरकार में? इस सरकार किसान है आप? हाँ जी, किसान है, लाई मजदूर है। तो मजदूरों को तो बहुत कुछ दिया उन्होंने, 5 साल हो गए जो इतना कुछ दे रहे हैं। हमारे से तो कुछ नहीं दिया, हमारे से क्या देते, और हमारे से कुछ नहीं दिया, हमारे से तो बस अनाज नहीं मिला क्या आपने? अनाज मिला, 2 हफ्ते अनाज दिया, उसके बाद में फिर अनाज भी नहीं मिलने का।
अच्छा, ये चुनाव को लेकर दिया? हाँ जी, चुनाव को लेकर दिया। क्या लगता है 2022 में गंगो विधानसभा पर? भाई साहब का नाम क्या है? मेरा नाम परवेज अख्तर है जी। अख्तर साहब जी, परवेज अख्तर साहब, बदलाव होगा गंगो विधानसभा पर? इंशाल्लाह लांचा बदलाव होगा, अखिलेश जी की सरकार आएगी। नहीं, अखिलेश यादव की क्यों सरकार आएगी? देखिए, बीजेपी की सरकार रही, इतना अच्छा विकास किया, यहाँ 4 प्रत्याशी हैं 3 प्रत्याशी, बहुजन समाज पार्टी के काजी नुमान मसूद भी हैं जी, चौधरी किरत सिंह हैं, अच्छा कार्यकाल बताया जाता है उनका, बहुत कम समय का। हमें तो पसंद अखिलेश की सरकार, बस आपको अखिलेश यादव की सरकार चाहिए। चलिए, एक बुजुर्ग हैं, क्या नाम है चचा? मेरा नाम है जी चौधरी वकील। वकील साहब, क्या लगता है अब की बार गंगो विधानसभा पर? आप तो भारतीय किसान यूनियन का वो लगा लिया आपने, तो अभी अभी हमारे सामने लगा के लगा है जी, वो पहले से लगा रहा, उसी दिन जी अभी लगाया, 2 मिनट पहले आपने आंदोलन से लगा हुआ है मेरे। अब तो आंदोलन खत्म हो गया, कृषि बिल भी वापस हो गए, सब कुछ बदल गया भाई है जी। मैं सदस्य हूँ भारतीय किसान यूनियन का। भारतीय किसान यूनियन वैसे भी प्रेशर में रखे है ना बना के, कि हम किसान यूनियन नहीं, नहीं, प्रेशर नहीं करते बिल्कुल। अच्छा। सरकार हेर के रखी पूरे डेढ़ साल। हमारा देखो बिल्कुल शांतिपूर्ण धरना चला, कोई हथियार नहीं था, कोई लठ नहीं था, इतना बड़ा आंदोलन चलाना भारत के। आंदोलन में गए आप? जी आंदोलन में गया मैं 3 बार, और सरसावे टोल टैक्स हमारी 8वें दिन ड्यूटी लगती थी। वो तो पार्टी का आंदोलन था, किसानों का थोड़ा ही था। अजी नहीं, किसानों का आंदोलन था, पार्टी का आंदोलन कोई नहीं था, वो भारतीय किसान यूनियन का ही आंदोलन था, पार्टी का तो तक खत्म हो जाता कभी का। मांग पूरी हो गई, अब तो नाराजगी को कोई जरूरत नहीं है, नाराजगी किस चीज को लेके? देखो जी, मांग इन्होंने पूरी, वो 3 बिल अपनाफ लाए थे, अपनाफ वापस ले लिए, उनसे कोई नहीं। मारे 750-750 किसान मरे, उनके बारे में एक लफ्ज नहीं कहा सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने। अच्छे जी, और बस क्या बता मैं, इस सरकार नाराजगी बरकरार है? नाराजगी बेमतहा बरकरार है जी, बदलाव पूरी तरीके से होने जा रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, पांचों चुनाव आ रहे हैं, अब राकेश टिकैत भी, अब रैलियां, फिर दोबारा लखीमपुर खीरी चले गए जी, वो यूं ही तो जा रहे हैं कि भाई चुनाव माहौल में जो है खड़ा किया, किस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं? वो बंगाल के अंदर तो हुआ था खेला, और यहाँ होगा सीधा खदेड़ा, खदेड़ा होगा यहाँ से पूरे उत्तर प्रदेश। तो इसका मतलब तो आप बीजेपी से नाराज हैं, तो फिर समाजवादी को क्यों जा? बीजेपी से नाराज किस लिए है? तो किसको वोट देंगे? ये है मुद्दों की लड़ाई, किसको वोट देने जा रहे हैं? यहाँ तो सीधा अखिलेश यादव का वोट है जी। तो फिर तो आप अखिलेश यादव को सपोर्ट कर रहे हैं फिर जी? नहीं, वोटर है हम। हाँ। सपोर्ट नहीं, वोटर भी तो है। अच्छा, अधिकार है हमारा अपना एक, हमारा वोट जो है पूरे परिवार का अखिलेश। किसान सम्मान निधि दी और भी बहुत सारी, हमें कोई नहीं मिली जी, 3 बार फार्म भर ली, 6,000 रुपये खर्च करे मैंने, कोई सम्मान निधि नहीं मिली हमें अब तक। एक बुजुर्ग हैं, क्या नाम है चाचा? इकबाल है जी। क्या लगता है गंगो विधानसभा में अब की बार क्या रहेगा? है जी भाजी, हम तो अपनी साइकिल को दे सके यहाँ से। अच्छा जी, साइकिल को क्यों देंगे? अजी भाजी, वो तो ऊपर वाला जाने, कुछ माह में सहूलत हो जाएगी, हम मजदूर आदमी हैं, 1 रुपए का हम। अच्छा, अनाज भी फ्री मिल रहा, सब कुछ फ्री मिल रहा, अब तो कोई दिक्कत नहीं, परेशानी वाली कोई बात ही नहीं है। अजी क्या अनाज, बस ठीक है जी, बस कुछ अनाज नहीं है, जैसे 2-4 हफ्ते है बस, फिर अपना हम तो ऐसे कैसे, चूरन बेचने वाला हूँ जी मैं। अच्छा, 1 रुपए का चूरन बेचा हूँ, जब बच्चों का गुजारा कर रहा हूँ साहब। अच्छा जी, मेरे तो कोई रोजगार वगैरह कुछ दिया नहीं? कुछ नहीं, कुछ है? नहीं है जी, 2 लड़के मर गए मेरे जवान, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके। अच्छा। बस चूरन बेच, मेहनत मजदूरी करते हैं जी। तो आपको साइकिल को वोट देकर क्या होगा, उससे उससे क्या उम्मीद है? बच्चे साइकिल को वोट दे के हमें कुछ तो सहायता मिलेगी, उम्मीद है, उम्मीद है ऊपर के घर की। भाई साहब का नाम क्या है? राशिद जी। राशिद जी, बुजुर्ग अपनी अंदर की बात बता रहे हैं कि ये बात, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये परेशान है बहुत ज़्यादा इस सरकार से, इस सरकार से हर आदमी परेशान है, इसलिए सहगल जीती रही यहाँ से, जिला सहारनपुर से, बल्कि पूरे क्या यूपी के अंदर से जीती रही। अच्छा। हाँ जी, सरकार किसकी आ रही है? इसकी आ रही है अखिलेश की, अखिलेश यादव की। एक बुजुर्ग भाई साहब हो रहे हैं, भाई साहब का नाम क्या है? मिद्दा है जी। मिद्दे भाई, क्या लगता है गंगो विधानसभा में अब की बार क्या होने जा रहा है? हम तो साइकिल को देंगे वोट जी। सभी लोग साइकिल? साइकिल है जी सभी। कस्बे के क्या हालात है यहाँ कस्बे के अंदर? कस्बे में है साइकिल है सब। अच्छा, सब साइकिल है जी।
तो मैं बताऊं, यहाँ ननोता कस्बे के अंदर मैं मौजूद हूँ। बारिश का मौसम है, सर्द हवाओं के बीच हमने कुछ लोगों की यहाँ राय ली और किस तरह से उनके अंदर सरकार के प्रति नाराज़गी है, अंदर गर्माहट है, सरकार बदलना चाहते हैं। कस्बे के अंदर क्या रहेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन हालात जिस तरीके के निकल कर आ रहे हैं तो परिणाम भी चौंकाने वाले आएंगे। बने रहिए मेरे साथ, नमस्कार।